बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपके साथ KFC स्टाइल ब्रूस्ट विद सॉस की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने 1.5 kg चिकन के लेग पीस लिए हैं, जिसमें मैंने पीछे की तरफ को कट लगा दिए हैं और फ्रंट के साइड पे मैं कांटे से गहरे निशान लगा दूँगी ताकि मसाला अंदर तक जाए। ऐसे कट लगा लेने हैं आपने डीप इसमें, और फ्रंट में आपने ऐसे डीप इसमें निशान लगा देने हैं ताकि हमारा सारा मसाला चिकन में अंदर तक जाए। इस तरह से तमाम की चिकन में इस तरह से आपने कट लगाने के बाद इसमें आपने पानी डाल देना है। जो बर्तन है इसको आपने पानी से फुल कर देना है। फिर इसमें हमने 1 tablespoon नमक और 1 teaspoon लाल मिर्च शामिल करके और 2 tablespoon इसमें सिरका शामिल कर दूंगी। 2 tablespoon सिरका मैंने इसमें शामिल कर दिया है। और इसको इसके बाद अब मैं इसमें 1 tablespoon सोया सॉस शामिल करूँगी। सोया सॉस शामिल करने के बाद मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि तमाम मसाले चिकन में अच्छे तरीके से लग जाएं और पानी में मिक्स हो जाएं। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसको ढक के रख दूँगी 4 से 5 घंटे के लिए। पानी कम लगेगा तो थोड़ा सा और भी डाल सकते हैं ताकि चिकन हमारी अच्छे से डिप हो जाए इस पानी में। और इसके बाद इसको ढक के 4 से 5 घंटे के लिए रख दें। 4 से 5 घंटे हो चुके हैं। अब चिकन को निकाल के छन्नी में रख दूँगी ताकि सारा पानी निकल जाए और मसाला आराम से लग सके। अब मसाले स्टार्ट करते हैं। एक बाउल में सबसे पहले हम लोग 1 tablespoon कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे। कॉर्नफ्लोर 1 tablespoon। इसमें नमक शामिल करेंगे हम 1 teaspoon, मस्टर्ड पाउडर 1/2 teaspoon, वाइट पेपर 1/4 teaspoon, ब्लैक पेपर आप इसमें यूज़ करेंगे 1/2 teaspoon, 1 teaspoon कुटी लाल मिर्चें, ज़ीरा 1.5 teaspoon इसमें शामिल करेंगे, पिसा गरम मसाला 1/2 teaspoon और चिकन पाउडर 1 teaspoon। ये तमाम मसाले मैं इसमें शामिल कर देती हूँ। इसके बाद इसमें सिरका, सफ़ेद सिरका हम इस्तेमाल करेंगे 2 tablespoon, और इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 2 tablespoon सोया सॉस। ये देखिए सोया सॉस मैंने 2 tablespoon इसमें शामिल कर दिया है। इसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे 2 tablespoon चिली सॉस। चिली सॉस आप 2 tablespoon शामिल कर लेंगे। और इसके बाद इसमें हम शामिल करेंगे लहसुन अदरक। लहसुन अदरक इसमें 2 tablespoon मैंने शामिल कर दिए हैं। उसके बाद इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। ब्रोस्ट में इतने ज़्यादा मसाले नहीं होते, ना ही बहुत ज़्यादा स्पाइसी होते हैं। और ये इसमें तमाम चीज़ें मैंने मिक्स कर ली। और इसमें मैं चिकन शामिल करके इसको दोबारा से 4-5 घंटे के लिए या आप पूरी रात के लिए भी छोड़ दें तो बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। मसाला जब आप लगाएंगे तो आप ऐसे लगाएंगे कि कट्स के अंदर तक मसाला चला जाए आराम से। अब आप इसको ढक के 3 से 4 घंटे के लिए आप फ्रिज में रख दें। तब तक हम सॉस की तैयारी करते हैं। ये वही सॉस है जो आपको ब्रूस्ट के साथ बाहर मिलती हैं। इसके लिए हमने 3-4 हरी मिर्चें ली हैं, और इसके बाद इसमें 1 tablespoon हमने लहसुन लिया है, 3-4 जवे लहसुन हैं, 2 tablespoon मायोनीज लिया है और 1 छोटा बॉयल आलू लिया है। इसको हम इसमें डाल के और ग्राइंड कर लेंगे। थोड़ा सा दही डाल के हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। इसमें तकरीबन 1 पाव दही मैं डालूंगी। थोड़ा सा दही डाल के पहले मैं ग्राइंड कर लेती हूँ और बाकी दही को मैं बाद में मिक्स कर लूँगी। दही ग्राइंड हमने कर लिए हैं और अब बाकी दही भी मैंने इसमें शामिल कर दिया है। सॉस हमारी तैयार हो चुकी है। बहुत ही टेस्टी सॉस बनती है ये। अब हम देखिए कोटिंग की तरफ आते हैं। इसमें 1 teaspoon हमने बेकिंग सोडा लिया है, मीठा सोडा नहीं है, बेकिंग सोडा लिया है, और 1 teaspoon हमने इसमें नमक लिया है, और 1 teaspoon हमने लाल मिर्च ली है। इन तीनों चीज़ों को हम 1/2 kg मैदे में शामिल करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत अच्छे से हमने इस चीज़ों को मैदे में मिक्स करना है ताकि सारे मैदे में ये तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएं। थोड़ा सा मैं हाथ से भी मिक्स कर लेती हूँ ताकि इसके मिक्सिंग में कोई मसला ना रहे। उसके बाद ये चिकन है, इसको सबसे पहले मैं मैदे में डिप करूँगी और इसको अच्छे से हाथ से थोड़ा सा दबाऊंगी ताकि तमाम जो मैदा है वो अच्छे से लग जाए हमारी चिकन में। इसके बाद इस चिकन के पीसों को उठा के मैं पानी में डिप करूंगी। ये देखें अभी अच्छे से मैं इसमें मैदा लगा रही हूँ। आपने भी ऐसे दबा दबा के इसमें मैदा लगाना ताकि अच्छे से अंदर तक इसमें जज्ब हो जाए सारा मैदा। और इसके बाद आपने एक एक पीस उठाना है और इसको पानी में डिप करना है ऐसे ही। थोड़ा सा आप झाड़ लीजिएगा ताकि मैदा सारा झर जाए, जितना भी एक्स्ट्रा मैदा लगा हुआ है वो झड़ जाएगा। और उसके बाद अपने पानी में डिप करना है। पानी में डिप करने के बाद आप इसको दोबारा से मैदे में डालेंगे
इसी तरह से आपने सारे पीस कर लेने हैं। दूसरा पीस भी वैसे ही मैंने झाड़ के इसमें डाल दिया पानी में और वो भी निकाल लिया। इसी तरह ये चारों पीस आपने ऐसे ही निकाल लेने हैं। अब ये देखिए चारों पीस मैंने निकाल लिए हैं। अब दोबारा से मैं इस पर मैदा लगाऊंगी अच्छे से और दोबारा से हाथ से दबाऊंगी ताकि दोबारा से सारा मैदा लग जाए इसमें। अब एक दफ़ा निकाल के इसको झाड़ के दोबारा पानी में डुबो के दोबारा से मैं मैदे में इसको ऐसे ही डालूंगी। वीडियो मैंने स्किप कर दी थी लेकिन याद रखिएगा मैंने दो दफ़ा पानी में इसको डुबोया है। और अब ये देखें कितने अच्छे से क्रम्स बन गए, यानी कि तीन दफ़ा मैंने इस पर मैदा लगाया था। देखिए क्रम्स कितने अच्छे से बन गए हैं। और जो मैदा हमारा बच जाता है इसको छान के आप फ्रिज में रख लें तो अगली दफ़ा दोबारा आपके काम आ सकते हैं। चलिए अब हम चिकन को फ्राई कर लेते हैं। चिकन को फ्राई करने के लिए ऑयल आपका गर्म होना चाहिए और गर्म ऑयल में जब चिकन डाल देंगे तो उसके बाद थोड़ा चूल्हा कम कर लीजिएगा और तकरीबन 8 से 10 मिनट तक इसको आपने पकाना है ताकि चिकन अंदर से गल जाए। ये नहीं कि आप तेज़ आग पर बनाते रहें तो आपके ऊपर से चिकन जल जाएगी और अंदर से कच्ची रहेगी। तो शुरू में आपको ऑयल गर्म होना चाहिए, उसके बाद जब आपके इस पर थोड़ा सा कलर आ जाए चिकन पर तो आप चूल्हा कम कर दीजिएगा ताकि ये अंदर से भी अच्छे से गल जाए। और ये देखिए बहुत ज़बरदस्त सा आपका चिकन रेडी हो चुका है।